अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरी चैनल DIY विद बबली में आप सबका स्वागत है। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको DIY फेयरनेस कोल्ड क्रीम के बारे में बताया था और आज का टॉपिक है DIY टोनर। गाइस, ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। मैं इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस किस प्रॉपर्स में यूज़ करेंगे मैं आपको सब बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं डाबर गुलाबरी ली है मैंने। आप कोई भी और ब्रांड का गुलाब जल ले सकते हैं, लेकिन प्रीमियम होना चाहिए। यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल, आप चाहे तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें जेल मार्केट वाला यूज़ करने का सजेस्ट करूँगी। यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल, देखिए गाइस ये एवन 400 का कैप्सूल है। ये 25 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा बड़ी आसानी से। यहाँ पे मैंने ली है ग्लिसरीन, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो टोनर में ग्लिसरीन होगा तो मॉइस्चराइजिंग अपने आप हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बोल लिया है और ये चम्मच से मैं सब कुछ मेजरमेंट करूँगी। तो पहले हम एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। गाइस, एलोवेरा जेल में एंटीऑक्सीडेंट पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपका फेस में पिंपल, रिंकल्स, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो एलोवेरा जेल से वो आप आसानी से दूर कर सकते हैं। और फेस में कोई तरह का बैक्टीरिया एलोवेरा की मदद से आप हटा सकते हैं। ये आपके फेस में बिल्कुल एक मेडिसिन का तरह काम करता है एलोवेरा, आपको तो पता ही है। और अब हम इसमें गुलाब जल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून एलोवेरा जेल लिया था मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा 2 बार गुलाबरी लूँगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि एलोवेरा का लम्स ना रह जाए। अब मैं इसमें ग्लिसरीन भी ऐड कर दूँगी। ग्लिसरीन मुझे एलोवेरा जेल जितना ही ऐड करूँगी मैं यहाँ पे 1 टीस्पून। गाइस, मैं यहाँ पे आपको डेमो दिखाने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ। आप अपना हिसाब से बना सकते हैं, जितना मेजरमेंट आप जेल का करेंगे उतना मेजरमेंट आप बाकी सामान का भी कर सकते हैं, और आप इसको पूरे 1 महीने तक स्टोर भी कर पाएंगे। इसके बाद मैं इसमें कैप्सूल ऐड करूँगी विटामिन ई का। अगर आपको पता नहीं है विटामिन ई का कैप्सूल कैसे होता है तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल इस किस्म का होता है विटामिन ई का कैप्सूल, और नॉर्मल कैप्सूल जैसा, लेकिन हमें इसे कट करना होगा। मैं सीजर की मदद से इसे कट करूँगी। कैन यू सी गाइस, इसका ऑयल हमें इसे ऐड करना है टोनर में। गाइस, विटामिन ई बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए, आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही होगा विटामिन ई के बेनिफिट्स। आप विटामिन ई का कैप्सूल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में टोनर बना रहे हैं तो 2-3 कैप्सूल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेमो दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं 1 कैप्सूल ही यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से कैप्सूल बढ़ा सकते हैं और बाकी सब चीज़ें भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप इसे 1 महीना स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए आप अपने हिसाब से बनाएं। सो गाइस, इसमें थोड़ा सा भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसे घोल लें। गाइस, इसे आप एज अ प्राइमर, एज अ मॉइस्चराइज़र आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्लिसरीन मिलाया हुआ है सो आपके फेस को 24 आवर्स तक बिल्कुल मॉइस्चराइज दे के रखेगा। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल ऐड किए हैं और विटामिन ई का कैप्सूल भी, सो पिंपल्स के चांसेस बहुत ही कम है
अगर आपके फेस में पिंपल है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें रात के सोते वक्त, और सुबह उठ के हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें। ये ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई और एलोवेरा जेल। सो इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि चारों ही चीज़ें पूरी तरह से नेचुरली है। आप इसे नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, रोज़ रात को सोने से पहले यूज़ करेंगे और सुबह उठ के गर्म पानी से अपना फेस धो लेंगे हल्का गुनगुने पानी से। उसके बाद कुछ ही दिनों में आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैं अपने हाथ में यूज़ करके आपको बताऊँगी। बिल्कुल इस तरह से डाइविंग मोशन में आपको लगाना है, उसके बाद ऐसे मसाज करना है। अच्छे से इसको मसाज करेंगे आप, देख सकते हैं गाइस इतनी शाइनिंग लग रही है। ये आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा क्योंकि इसमें गुलाब जल है और एलोवेरा जेल है। तो अगर आपके फेस में पिंपल का भी पिंपल एक्नी प्रॉन्स का प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत जल्दी दूर कर देता है ये टोनर। देख सकते हैं गाइस कितनी शाइनिंग लग रही है और आप डिफरेंस भी देख सकते हैं। मैंने इस हाथ पे यूज़ किया था, उस हाथ पे यूज़ नहीं किया था, डिफरेंस देख लीजिए गाइस आप भी। और एज अ प्राइमर भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे, एक बार ज़रूर यूज़ करें आप इसे घर पे। देख सकते हैं गाइस अब मैं दूसरे हाथ पे भी ऐसे लगा लूँगी। ऐसे ही मसाज करना है, बिल्कुल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। गाइस इस टोनर का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा आपको, आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसे डैबिंग मोशन में थोड़ा बहुत मसाज कर लेंगे अपना फेस का, और रात को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए गाइस अब डिफरेंस भी कवर हो गया है और रिज़ल्ट मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ यहाँ पे। अब आप ये वाला अपना फेस पे यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इतना ही ग्लो आपको अपने फेस पे भी दिखने को मिलेगा। सो ये टोनर आप बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, मिनिमम एक महीने तक। सो गाइस देखा आपने कैसे DIY टोनर बना। गाइस आप इसे घर पे ज़रूर यूज़ करें, मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ इसको विंटर के मौसम में, बहुत अच्छा रहता है फेस के लिए। और मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, मैं इन्हीं सब चीज़ों को यूज़ करती हूँ अपने फेस में। सो नेचुरली ग्लो रहता है हमेशा फेस में मेरा। आप ज़रूर इसे यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक में बनाऊँगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। आज के लिए शुक्रिया।